प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड या अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी से प्रेशर का क्या लेना देना है। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके अंदर हमने एक लिक्विड लिया, इस लिक्विड के अंदर हमने इसका लिक्विड का एक पोर्शन लिया। देखो ये जो सिलेंडर देख रहे हो अंदर, ये सॉलिड सिलेंडर नहीं है, ये लिक्विड का ही पोर्शन है। तो मैंने इस पूरे लिक्विड के अंदर एक छोटा सा लिक्विड का पोर्शन लिया सच दैट इसका एरिया क्या है, ऊपर का ए, नीचे का एरिया भी ए। इस लिक्विड का एक्चुअल वेट कितना, नीचे की तरफ एम जी। जो बाकी लिक्विड है इस लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये वाला जो लिक्विड है इसको नीचे फोर्स लगा रहा है और बाकी लिक्विड इसको ऊपर फोर्स लगा रहा है एफ टू। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, हमें कैसे पता लगा ऊपर फोर्स लग रही है नीचे फोर्स लग रही है, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना, कोई जाके तो ना फोर्स लगा रहा है, तो कैसे पता लगा कि एक फोर्स ऊपर भी लग रही है नीचे का। तो मैं समझ सकता हूँ कि वेट की वजह से नीचे फोर्सेस लग रही हैं, पर ऊपर क्यों लग रही है। आप एक पॉइंट को समझें कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये पानी बिल्कुल स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, ये पूरा लिक्विड रेस्ट पे है, तो लिक्विड का ये वाला पोर्शन भी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है यानी कि इक्विलिब्रियम में, तो यानी कि नीचे की फोर्सेस, नीचे की कौन सी फोर्स है, पहली एफ वन और साथ में वेट ऑफ द लिक्विड क्या है एम जी, तो नीचे की फोर्सेज हैं। ये फोर्स अगर मैं ये मानूं कि नीचे एक्ट करती है, तो यार सारी फोर्सेस अगर नीचे एक्ट करी तो पानी तो नीचे चला जाएगा, लेकिन पानी तो स्टेशनरी है, और अगर ये लिक्विड रेस्ट पे है तो कोई तो फोर्स ऊपर एक्ट करती होगी जिनको इक्विलिब्रियम में लेके आती है। तो यानी कि लिक्विड जो है वो ऊपर से भी फोर्स लगाते हैं बॉडी के ऊपर और नीचे से भी लगाते हैं, और सच बताऊं साइड से भी लगाता है, साइड की सारी फोर्सेस आपस में नेट फोर्स क्या कर देती हैं, जीरो। तो इसके अंदर भी इक्विलिब्रियम के लिए इन दोनों का सम क्या होगा, एफ टू। तो ये अगर ये मैं इक्वेशन लगाता हूँ तो अंदर का लिक्विड बिल्कुल इक्विलिब्रियम में पाया जाएगा, ठीक है। अब मेरे को ये भी पता है फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स बाय एरिया प्रेशर है, फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा है पी वन, यहाँ पर प्रेशर मान लो कितना लग रहा है पी टू, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना है ए, तो फोर्स कितना है प्रेशर इंटू एरिया प्लस एम जी इज इक्वल टू अगेन प्रेशर इंटू एरिया, राइट। अब मेरे को ये भी पता है कि इसके अंदर जो मास है, इस पूरे कंटेनर का मास कितना है, या पूरे लिक्विड का मास कितना है, लिक्विड का वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, या फिर प्रेशर इंटू एरिया प्लस वॉल्यूम कितना है, इसका एरिया ए है और इसकी हाइट क्या है एच है, तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल टू पी टू इंटू ए। एरिया 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 क्या हो गया इसमें कैंसल, तो यहां से पी टू माइनस पी वन की वैल्यू फिर से वही आ गई कितनी एच रो जी, तो मतलब रिजल्ट तो वही आ गया। क्या रिजल्ट आ गया, ये सारी कहानी से ये पता लगता है कि ये सब अगर मैं ना करूं और सिंपल एक बात आपसे पूछूं कि मेरे पास इसके अंदर कंटेनर में लिक्विड है सच दैट एक पॉइंट ए पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर बी पॉइंट है और हाइट क्या है एच है, बी पॉइंट का लिक्विड का प्रेशर ए पॉइंट के प्रेशर से ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर पानी का भार ज़्यादा है, यहाँ पर पानी का भार कम है, तो बी पॉइंट का प्रेशर माइनस ए पॉइंट का प्रेशर को मैं डायरेक्टली भी तो लिख सकता था कितना एच रो जी। पुराना रिजल्ट ये तो किया था इसे पहले वाला कि अगर आप एच डिस्टेंस नीचे आते हैं तो आपका चेंज इन प्रेशर क्या हो जाता है एच रो जी, ये भी तो यही कह रहे हैं प्रेशर डिफरेंस क्या हो गया एच रो जी। तो क्लियर है यहाँ तक, तो यही कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस हुआ हुआ है कि इक्विलिब्रियम के लिए हमने इक्वेशन बना दी एफ वन की जगह पी वन इंटू ए, एफ टू की जगह पी टू इंटू ए, ए ए ए कैंसिल होके आपके पास प्रेशर डिफरेंस इसके इक्वल आएगा, और एक ऐसी जगह जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती जी जीरो है, वहां पर ये प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक। अब पॉइंट ये इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने वाला वो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे पहले वाला रिजल्ट और इस रिजल्ट में फर्क कहाँ है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि फर्क कहाँ पर है, ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें। तो इसके अंदर सपोज करो, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, मान लो ये कंटेनर है और ये लिक्विड है, ठीक है, और ऐसे ही ये एक कंटेनर है और ये एक लिक्विड है, ये लो। इसके अंदर सपोज करो एक पॉइंट यहां पर है बी पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पर है ए पॉइंट है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है एच डिस्टेंस है, उनके बीच में डिस्टेंस एच है।
और जो सेकंड केस आज हमने किया, बस उसमें ये फर्क है कि दोनों के दोनों पॉइंट ही लिक्विड के अंदर है। इसमें एक पॉइंट पॉइंट ऊपर था, एक पॉइंट इसमें, दोनों के दोनों पॉइंट्स लिक्विड के अंदर है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर ये बी पॉइंट को और नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बेस पे ले लो तब भी चलेगा। तो मान लो ये बी पॉइंट है, जैसे ये लो, कोई बात फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो एक बात बताओ, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे या इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस एच है, यहाँ पर भी एच है मान लो, तो अगर मैं सेकेंड रिजल्ट अभी जो मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं पूछूँ तो बी प्रेशर एट बी प्रेशर एट ए की वैल्यू क्या आएगी, बोलो एच रोच। ये किया हमने, हमने ये किया, सेम रिजल्ट इस पे लगा के देखें, इसके ऊपर ए पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर क्या है बोलो। मैंने ये नहीं कहा एटमोस्फेरिक प्रेशर, मैंने कहा लिक्विड का प्रेशर ए पॉइंट पे बोलो कितना है, जीरो, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर लिक्विड तो है ही नहीं, तो पानी तो उसके ऊपर प्रेशर लगाने से रहा। तो बी पॉइंट पे माइनस ए पॉइंट का प्रेशर, जो रिजल्ट अगर मैं सेम रिजल्ट यहां लगाऊं, बीपी प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए की वैल्यू क्या आएगी, एच जी, पर ए पॉइंट का प्रेशर यहां पर क्या है, जीरो। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया फिर से एक बार। तो ये बी पहला पॉइंट आएगा यहां पर, प्रेशर एट बी प्रेशर एट ए एच रो जी, और ए पॉइंट का प्रेशर क्या है, जीरो। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, बी पॉइंट का प्रेशर एच रो जी। तो आज जो हमने फर्स्ट रिलेशन किया वो ये किया, जो सेकंड किया वो ये किया। तो एक्चुअल में रूल क्या है मैं बता देता हूँ, जो एच रो जी का फॉर्मूला है, जो एच रो जी का फॉर्मूला है वो आपको चेंज इन प्रेशर देता है, हमेशा आपको प्रेशर नहीं देता, वो आपको चेंज इन प्रेशर देता है, इंक्रीज इन प्रेशर देता है। कि अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रहे हो और आप लिक्विड में एच डिस्टेंस नीचे आ गए, तो आपका प्रेशर कितना बढ़ गया, एच रो जी से बढ़ गया। वो अलग बात है कि यहाँ का प्रेशर क्योंकि ए है, जीरो था, तो आपका आंसर आपको लगा एच रो जी आ गया ना, एक्चुअल में प्रेशर डिफरेंस इज एच रो जी। मेरे मार्क्स मैथ्स में बढ़ गए 15 मार्क्स, 15 नंबर बढ़ गए, ये बढ़त है। मैंने ये नहीं कहा मेरे पहले कितने नंबर है अब कितने नंबर है, इसे ये थोड़ा पता लग रहा है, 15 नंबर बढ़े हैं, ये एच रो जी है, इतना प्रेशर बढ़ गया। मैंने ये डिस्कशन नहीं की कि ए का प्रेशर कितना है और बी का प्रेशर कितना है, होते होंगे जो भी प्रेशर है, इनका डिफरेंस एच रो जी है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, डिफरेंस में और एग्जैक्ट प्रेशर में क्या फर्क है। तो अब हम निकालना चाहते हैं कि एग्जैक्ट प्रेशर कैसे निकलते हैं, बी का प्रेशर क्या होगा, ए का प्रेशर, पानी में किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पॉइंट दूं तो वहां का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस नहीं का, पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, ये कैलकुलेट करते हैं अगले टॉपिक में। तो समझ में आ रहा है एच रोजी रिजल्ट क्या है, एच रोजी इंक्रीज इन लिक्विड का प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर है। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें?